अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी मीठी दाल। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठी दाल के लिए हम तुअर की दाल लिए हैं। 4 kg 250 ग्राम तुअर की दाल लेके भिगाए हम इसे, धो के अच्छे से भिगा के रखे हम इसे। और 6 से 7 हरी मिर्चा लिए छोटे साइज के, करियापाक लिए, कोथिमीर लिए, अदरक लहसुन है, हल्दी है और 3 टमाटो है इसमें। हम मीठी दाल बना रहे हैं ना, इमली नहीं डालते हम इसमें और मिर्ची भी ज़्यादा नहीं डालते। इसे हम मसूर की दाल में भी बना सकते हैं आप, मूंग की दाल में भी बना सकते हैं आप, तुअर की दाल से भी बना सकते हैं आप। हम तुअर की दाल में बना रहे हैं हम। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दाल धो के रखे हम, इस डाल देंगे हम इसमें 2 गिलास इतना पानी डाल के 4 विजिल होने देंगे हम इसे। इसी में हम टमाटर डाल देंगे और हरी मिर्ची लिए ना, हरी मिर्ची डाल देंगे हम। हरी मिर्ची बाद में निकाल देते हम, हरी मिर्ची के साथ घुटने का नहीं है दाल। और हल्दी डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, नमक नहीं डालना, नमक डाले तो दाल गलती नहीं। नमक हम उबलने के टाइम पे डालेंगे हम नमक। और थोड़ा करियापाक डाल दे के इसे 4 विजिल होने देंगे हम। विजिल होने बाद में निकालेंगे हम। चलिए अब हम इसे लीड लगा के विजिल होने देंगे हम। देखिए 4 सीटियाँ हो चुके हैं हमारे दाल के। अब हम इसे देखेंगे, देखिए हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है अच्छे से। अब हम जो मिर्चियाँ डाले ना, हरी मिर्ची, वो हरी मिर्ची हम सेपरेट निकाल लेंगे हम। निकाल लेके इसमें नमक नहीं डाले थे हम, नमक डाल के घोटेंगे हम। हरी मिर्ची है छोटी है, जो मिर्ची डाले थे मिर्ची निकाल लिए हम। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आपके स्वाद, आपके टेस्ट अकॉर्डिंग डाल लीजिए, आपको कितना लगता है नमक देख के। हम 1 चम्मच डाले, फिर कम पड़ा तो हम बाद में देख के चेक करके डाल लेते हैं नमक। अब हम इसे घोट लेंगे। आप इससे दाल घुटने से भी घोट सकते हैं ऐसा, या नहीं बोले तो आप इसे घुटने को मुश्किल हुआ तो आप इसे ठंडा करके ग्राइंडर में भी पेस्ट कर ले सकते हैं आप इसे। चलिए अब हम इसे घोट लेंगे, इस तरीके से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे दाल का हम, इस तरीके से घोट लेके। दाल अच्छे से घोट लिए है, देखिए दाल घोटने से हम दाल अच्छे से मैश कर लिए पूरा अच्छे से, देखिए। और 1 गिलास पानी डाले हम इसमें। दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी तो हमारी, आपको जितनी गाढ़ी चाहिए उतनी गाढ़ी कर सकते, जितनी पतली चाहिए उतनी पतली कर सकते। देखिए ये मिर्ची निकाले थे ना, मिर्ची डाल के हम औंटाएंगे, फिर बाद में मिर्ची निकाल देंगे हम। मिर्ची का तेज पन छूटने के बाद में हम निकाल देंगे हम इसे, मिर्ची को बाहर अच्छे से औंटाएंगे हम इसे 2-3 उबाल तक। अगर आपको ये हमारी मीठी दाल की रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम इसे अच्छे से उबलने देंगे, अच्छे से उबाल आने देंगे हम इसे। उबालने के बाद ये मिर्चियाँ हम इस तरीके से निकाल कर फेंक देंगे हम। मिर्ची रहे तो तेजपन आ जाता उसमें, खाली हमको थोड़ा तीखा चाहिए उसमें, थोड़ा उबालने के लिए डाल रहे हम डालेंगे। हमारी दाल अच्छे से औंट रही है, देखिए अच्छे से औंट रही है हमारी दाल। दाल ठंड तुअर की दाल है ना, ठंडी होने के बाद में गाढ़ी हो जाती दाल। आप इस टाइम पे नमक चेक कर लीजिए। इसे अच्छे से औंटने देंगे, साइड में हम तड़के के लिए, बघार के लिए कढ़ाई रखेंगे। उसमें हम ऑयल डालेंगे, ऑयल भी डाल सकते हैं आप, घी भी डाल के बघार सकते हैं आप। मीठी दाल है ना, घी भी डाल सकते हैं आप। हम ऑयल में बघार रहे हैं आप, घी भी डाल के बघार सकते हैं इसे। अगर आप घी खाते हैं तो घी डालिए इसमें, डाल के घी से भी बघार सकते हैं आप। तेल गर्म होने देंगे हम बघार के लिए। हम
प्याज लिए, करी पत्ता के लिए अदरक लहसुन लिए, और दोस्तों एक सूखी लाल मिर्ची लिए हम, एक मिर्ची लिए हम, हमारी दाल अच्छे से ऑन चुकी है। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हम बंद करके अगर आप चाहे तो मिर्ची डालें ना, मिर्ची निकाल ले सकते हैं आप, जो हरी मिर्ची डालें आप इस तरीके से स्पून से जो मिर्चियाँ डालें आप वो मिर्चियाँ निकाल ले सकते हैं आप, निकाल के फेंक दीजिए, या नहीं तो रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। हम निकाल दे रहे हैं मिर्चियाँ, वो जो मिर्ची डालें हम वो मिर्ची निकाल दे रहे हैं हम दाल में से। इस तरीके से निकाल लीजिए आप, हमारी दाल अच्छे से उठ चुकी है। देखिए हम मिर्ची डाले थे ना, वो मिर्ची निकाल लिए हम दाल में से। दूसरी साइड हम बघार के लिए हम प्याज लिए, प्याज डालेंगे, जीरे का बघार नहीं डालते मीठी दाल में। प्याज फ्राई करेंगे हम अच्छे से ब्राउन हो तक। कढ़ाई में, कुकर में हम कोथिंबीर लिए थे ना, कोथिंबीर डालेंगे हम इसमें। इसे अच्छे से ब्राउन होने देंगे प्याज को हम। देखिए हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसी टाइम पे हम अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन डाल के अच्छे से कच्ची बोगल तक हम अदरक लहसुन की फ्राई करेंगे। इसी में हम करी पत्ता डाल देंगे। आप घी में भी बना सकते हैं, यह हैदराबादी मीठी दाल है। ये अब तुअर की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल, कोसी की दाल से बना सकते हैं आप, मसूर की दाल से भी बना सकते हैं आप। अदरक लहसुन की कच्ची बोगे तक हम फ्राई करेंगे। इसमें जीरा का बघार नहीं डालते मीठी दाल में। देखिए हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें एक सूखी मिर्ची लिए थे, सूखी मिर्ची इसमें डाल देके फ्लेम बंद कर देंगे हम। हमारा बघार रेडी हो चुका है। चलिए अब हम दाल में मिक्स करेंगे। चलिए हम दाल में मिक्स कर चुके हैं अच्छे से। देखिए हमारी मीठी दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हमारी मीठी दाल बनके रेडी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।